हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो सिलाई का वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले जितनी हमें कुर्ती की लंबाई है उसके हिसाब से हमें कुर्ती को कट कर देना। ये मैंने कुर्ती की लंबाई 22 थी उसके हिसाब से कट कर दिया। इसके बाद में हमें इसको बीच से हमें कट कर देना है इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये जो जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती के जो पार्ट जमाते हैं उसी तरीके से हमें जमा देना है, इस तरीके से ऐसे हमें जमा देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके यहाँ पे नाखून लगा देना है और जो ऊपर वाला भाग है उसको हमें आगे की साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा आगे की साइड में रखना है, इस तरीके से। ये हमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ देना है, करीब आधा से आधा यानी मतलब 1 सेंटीमीटर तक हमें आगे की साइड से ऐसे आगे छोड़ देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो गले की कटिंग करनी है और यहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए इस तरीके से, जो नीचे का पार्ट है उसके हिसाब से हमें ऐसे मार्किंग कर देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके जो गले की लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि इसमें चेस्ट है 31 इंच, तो 31 इंच में हमें गला रखना है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे हमें कट करना है। एक ये ध्यान रखना है आगे की साइड में ये फर्क रखना है, इतना हमें आगे की साइड छोड़ देना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा दिया, इसके बाद में 3 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई का नाप लेना है। ये जैसे कि हमें चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच, तो हमें 4 से 1 पॉइंट कम रख देना है यहाँ से, इस तरीके से। इसके बाद में हमें ऊपर से भी यहाँ से छोड़ के यहाँ से हमें ऐसे मार्किंग करना है 1.5 इंच पे और यहाँ से हमें मिला देना है इस तरीके से, गुलाई देते हुए। ये हमारे गले की मार्किंग होंगे। इसके बाद में हमें शोल्डर भी यहाँ से छोड़ के यहाँ से ऐसे हमें 7 इंच रख देंगे, इस तरीके से। इसके बाद में हमें आर्म होल रखना है, वो 7 से 7.25 इंच रख सकते हैं हम। अब हमें यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 31 इंच में 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। 34 का 1/4 होता है 8.5, तो इसको ऐसे छोड़ के यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे, इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो चौक कट का निशान लगाना है, ये हम रखना है 22 कुर्ती है तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना नीचे से, और यहाँ से भी इसको ऐसे छोड़ के यहाँ से 8.5 में निशान लगा देना है, इस तरीके से। और ऐसे अब हम यहाँ से कट कर देंगे। पीछे का पार्ट कट हो गया, अब हम चौक कट की कटिंग कर लेते हैं। इसको ऐसे कट करके इसे हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, इसको सभी ऊपर वाले भाग पहले कट करना है इस तरीके से, गोले देते हुए ऐसे हमें कटिंग कर देना है। अब हमें पीछे वाला भाग ही कुछ इस तरीके से कट कर देना है और यहाँ से ऊपर की साइड से तिरछा कर देना है, इस तरीके से। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हमें यहाँ पे कट की कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ इसको इस तरीके से जमाना है कुर्ती को ऐसे हमें,
इसके बाद में बी सेंटर पे निशान लगा देना है, और इसका जो सीने के निशान है वो भी हमें यहाँ पर लगा देना है, और इसका जो बी सेंटर है वो हमें 8.5 है, 8.5 का आधा लेना है यानी 4.25 इंच इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम बी सेंटर का निशान लगा देना है, और यहाँ पे भी इस तरीके से 4.25 इंच पर निशान लगा देना है, और ऐसे सीधा हमें मार्किंग लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद में हमें ऐसे डायरेक्ट, आप चाहे तो ऐसे निशान लगा सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से निशान लगा देते हैं, और आप चाहे यहाँ से भी ऐसे गोले दे सकते हैं ऐसे इस तरीके से ऐसे हमें। तो मैं इसमें डायरेक्ट ही सीधी निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ ऐसे हमें ऊपर से करीब 2 से 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है ऐसे हमें। इस तरीके निशान लगाने के बाद सीधा हमें कट कर देना है ऐसे, इस तरीके से हमें कट कर देना है ऐसे, इस तरीके से कट कर देना है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।